हाय गाइस, टुडे इज माय टॉपिक टाइफाइड फीवर। आज मैं आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वैक्सीनेशन हम कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट की जाएगी और टाइफाइड फीवर से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइफाइड फीवर एक बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। उस बैक्टीरिया का नाम सेलमोनेला टाइफी है। टाइफाइड फीवर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में पाई जाती है और ये कई मुल्कों में फैली हुई है। टाइफाइड फीवर ये ज़्यादातर फूड, वाटर, इसकी वजह से टाइफाइड फीवर हो सकता है। टाइफाइड फीवर के साइन और सिम्टम्स अगर इसके बारे में बताऊँ तो इसमें हाई फीवर, हेडेक, एब्डोमिनल पेन और साथ ही कॉन्स्टिपेशंस या डायरिया हो सकता है। टाइफाइड फीवर गंदे पानी से ज़्यादातर होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को उबाल कर पिएं, साफ पानी पिएं और फूड अपनी ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल करें जिसमें बैक्टीरिया कम हो। जैसा कि बाहर का खाना, ये हमारे लिए टाइफाइड फीवर और दूसरी बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकती है। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर इसके जो सिम्टम्स हैं ये 1 से लेकर 2 वीक्स के अंदर ज़ाहिर होने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक्स लग सकते हैं। टाइफाइड फीवर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम्स है वो हाई फीवर है। फीवर इतना हाई हो जाता है कि फ़ौरन हाइट की बात करें तो उसमें 104 फ़ौरन हाइट, और सेंटीग्रेड की बात करें तो 40 सेंटीग्रेड तक फीवर हो सकता है। अदर कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड, जैसे सिम्टम्स की अगर बात करें तो जिसमें कॉन्स्टिपेशंस, कफ, हेडेक, लूस ऑफ एपिटाइट, स्टमक पेन्स, सोर थ्रोट, रियर सिम्टम्स इंक्लूड्स, इसमें ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टम, डिलीरियम, डायरिया, टेम्प्रेरी पिंक स्पॉट्स ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशंस में जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, एंटीबायोटिक टाइफाइड फीवर के लिए इस्तेमाल की जाती है। मोस्ट कॉमनली जो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स है इसमें सेप्रोफॉक्सिसिन इस्तेमाल की जाती है और सेफ्ट्रिक्सोन इस्तेमाल की जाती है। सिप्रोफ्लोक्सेसिन और सेफ्ट्रिक्सोन ये एक जेनरिक नेम है। सिप्रोफ्लोक्सेसिन इसमें नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती और बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। बच्चों के लिए सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है जो कि बच्चों के लिए है। ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसके ज़रिए टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो आसानी से किल किया जा सकता है। अदर ट्रीटमेंट। ड्रिंकिंग फ्लूइड्स, दिस हेल्प प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन डेट रिजल्ट फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग फीवर एंड डायरिया। इफ़ यू आर सेवरली डिहाइड्रेटेड यू मे नीड टू रिसीव फ्लूइड्स थ्रू अ वेन। इसमें हम ऐसे फ्लूइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी बॉडी की केमिकल्स को बैलेंस रख सके, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रख सके, जैसे कि ओआरएस और मिनरल वाटर, बॉइलिंग वाटर। बॉइल्ड वाटर यानी कि उबला हुआ पानी जो कि हमारे लिए बहुत ईद है, जिसमें अगर हमें डायरिया हो जाता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि ओआरएस। ओआरएस एक ऐसा सैचिट है जो कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में
मदद देता है। प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड फीवर, हमें बॉयल वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि हमारे स्किन्स के लिए भी हेल्दी हो और हमें दूसरी बीमारियों से भी बचाए। ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना जो कि हमारे लिए डेंजर फूड्स हो सके। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद, फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वाटर ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, कोई भी लिक्विड, ऐसी चीज़ जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हो, जो हमें टाइफाइड फीवर और दूसरी बीमारियों से भी बचा सके। टाइफाइड फीवर, इसके बारे में मैंने आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना कुछ हासिल हुआ है, क्या नॉलेज मिली है। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।